नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम शाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 31 दिसंबर 2020। आज का दिन लास्ट दिन है तो 2020 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। तो आपका पहला एमसीक्यू आपके सामने है, अभी हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जारी किया है जो अलाउ करता है एक तरीके से रिटेल लोन जो सीकर्स हैं, जो रिटेल लोन लेना चाहते हैं वो डिजिटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो पेपरलेस प्रोसेस के द्वारा लोन ले सकते हैं। तो ये अभी हाल ही में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च करने वाला एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में क्या किया है, लॉन्च किया है डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो ये अलाउ करेगा रिटेल लोन्स को, जो भी रिटेल लोन लेना चाहते हैं वो पेपरलेस यहाँ पर अप्रूवल लेकर, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, 30 मिनट्स में विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर वो लोन ले सकते हैं। बैंक यहाँ पर ऑल्सो ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट वाया DLP, यानी आपका अगर FD में है किसी भी बैंक में यहाँ पर, तो या फिर मान लीजिए आपका यहाँ पर बैंक बड़ौदा में FD है तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं विदाउट एनी, आपका यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में DRDO के साइंट कौन से किसे अभी हाल ही में नवाजा गया है DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ इन डेवलपिंग इन द सेवरल हर्बल मेडिसिंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, हेमंत कुमार पांडे, इनको भी हाल ही में इस जो है नवाजा गया है DRDO साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड से। ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है हर्बल मेडिसिंस में, इंक्लूडिंग द पॉपुलर ड्रग्स ल्यूकोसिंस मेन ट्रीटमेंट फॉर द ल्यूकोडर्मा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इन्हें सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी, मतलब अकॉर्डिंग टू रेटिंग एजेंसी इकरा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो इसके द्वारा अभी हाल ही में ग्रॉस NPA जो बैंकों का यहाँ पर राइज हो जाएगा अब मार्च 2021 में, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितना परसेंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यानी आप देखोगे 10.1% से आपका लगभग 10.6% तक ये राइज होगा। ये जो NPA होगा एक कैसा होगा, NPA ग्रॉस NPA होगा। ग्रॉस NPA का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी NPA एक तरीके से जैसे लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए कोई भी लोन है उस लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस उस पर इंटरेस्ट है और कुछ अदर चार्जेस हैं, तो वो जब मिल के आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस NPA बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका नेट NPA, नेट NPA का मतलब यहाँ पर जिसमें से हम लोग जो प्रोविज़न है, जो बैंक के द्वारा प्रोविज़न किया जाता है वो प्रोविज़न अगर हम माइनस कर दें और प्लस हम जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, जो जिसने लोन लिया है उसके द्वारा इंटरेस्ट दे दिया जा चुका है, तो उस इंटरेस्ट रेट को अगर हम माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचा हुआ है वो हमारा नेट NPA बचेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि NPA जो मार्च 2021 में है वो क्या हो जाएगा, 10.1% से 10.6% यहाँ पर लगभग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में 100th किसान रेल ऑफ इंडिया, ये अभी हाल ही में इसको फ्लैग ऑफ किया, ये महाराष्ट्र से किस स्टेट के बीच में चलेगी ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। PM मोदी ने अभी हाल ही में 100वीं जो हमारी किसान रेल है उसको यहाँ पर अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या किया, इनॉग्रेट किया, मतलब इसको हरी झंडी दिखाई, और रेलवे अभी हाल ही में लॉन्च किया है किसान रेल जो प्रोवाइड करेगा एक तरीके से मोबाइल कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट पेरिसरेबल लाइक फ्रूट वेजिटेबल मिल्क फ्रेश और कुछ अदर्स आइटम्स। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कम टाइम में और बिना ख़राब हुए चीज़ें यहाँ पर लोगों की पहुँचे, खासकर वेजिटेबल मिल्स वगैरह हैं, तो इसके लिए यहाँ पर किसान रेल चलाई जा रही है। ये अभी जो 100वीं किसान ट्रेन है ये महाराष्ट्र से आपको दिखेगी जाती हुई कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। आगे बात करते हैं अभी हाल ही में किसे अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड द इम्यूनाइजेशन, यानी गावी, एज अ मेंबर ऑफ गावी बोर्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, इनको अभी हाल ही में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, और ये एक तरीके से यहाँ पर एज अ मेंबर काम करेंगे गावी बोर्ड में।
ठीक है, तो गावी बोर्ड में इनका जो कार्यभार रहेगा 2021 से 2023 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो गावी किस लिए बनाया गया था, यहाँ पर आप देखोगे कि जो वैक्सीन का अलायंस बना है कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो COVID-19 की वैक्सीन है उसको बना पाए, इसके लिए आपका गावी बोर्ड बनाया गया था, जिसमें एज ए मेंबर काम करेंगे, बोर्ड के मेंबर के रूप में काम करेंगे, जिनका कार्यकाल रहेगा लगभग 2021 से 2023 के रूप में बीच में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि डिजिटल ओशन ओशन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो क्या करेगा, मरीन डेटा एंड फॉरकास्ट सर्विस को यहाँ पर रिलीज करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल ओशन एप्लीकेशन, ठीक है, याद रखना है, डिजिटल ओशन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये क्या करेगा, एक तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करेगा मरीन डेटा एंड फॉरकास्टिंग सर्विसेज के लिए, ठीक है। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो डेवलप इनकॉस के द्वारा किया गया। इनकॉस का मतलब क्या है, नेशनल इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियंस इंफॉर्मेशन। ये प्रोवाइड करेगा तरीके से एडवाइजरी सर्विस, है ना, एंड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। इन सभी को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कहाँ पर आप देखोगे ओशन में ऑयल स्पिल हुआ है, कहाँ पर आप देखोगे कि ओशंस में हमारे यहाँ पर सुनामी आने वाली या फिर कोई साइक्लोन, इसके बारे में फोरकास्टिंग करने के लिए यहाँ पर ये डिजिटल ओशन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया है, कि हम एक तरीके से आउटर स्पेस में इंडिया के साथ एक आउटर स्पेस में मतलब स्पेस में हम लोग एक एग्रीमेंट्स करेंगे। तो किस कंट्री के साथ में इंडिया ने अभी हाल ही में एग्रीमेंट किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, भूटान के साथ में एग्रीमेंट किया गया था, है ना, नवंबर 2020 में, आप यहाँ पर देखोगे। और उसमें अभी हाल ही में कैबिनेट ने क्या किया है, इसको अप्रूव कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो आउटर स्पेस है उसमें हम भूटान के साथ यानी पीसफुल यहाँ पर प्रोग्राम कर पाएंगे। तो ये एग्रीमेंट अलाउ करेगा कि हमारे यहाँ पर जो भी कॉपरेशन है, जैसे स्पेस है, साइंस है, इन नेविगेशन है, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन है, यूज़ ऑफ स्पेस सिस्टम है, स्पेस क्राफ्ट एंड ग्राउंड सिस्टम की तरफ से, यानी इन सभी क्षेत्रों में इंडिया और भूटान मिलकर काम करेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि हम पूरी तरीके से, यानी यहाँ पर ऑप्शंस गलत हो गए यहाँ पर, तो पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, 6 मंथ के लिए हम लोग एक डिस्टर्ब एरिया बना देंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में क्या करेंगे, हम लोग पूरी तरीके से 6 मंथ के लिए यहाँ पर एक डिस्टर्ब एरिया बनाएंगे। डिस्टर्ब एरिया का मतलब यहाँ पर है कि नागालैंड में यहाँ पर देखोगे कि जो हमारे इंटरनल अटैक्स हैं, इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर फसफा लागू कर रहे हैं, यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर आप देखोगे कि डिस्टर्ब एरिया है, तो उसमें अफस्पा लागू किया जाएगा। और ये भी हाल ही में डिसीजन लिया गया था कि ठीक है, मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2 जून तक है हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके डिस्टर्ब एरिया बनाएंगे अगले 6 मंथ तक, यानी लगभग जून 2021 तक यहाँ पर रहेगा ऐसा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूव किया है कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे कौन सी मिसाइल को, ठीक है, जिसका टारगेट होगा $5 बिलियन का यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, आकाश मिसाइल, यानी आकाश मिसाइल हमारे यहाँ पर एक तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और टारगेट रखा गया है $5 बिलियन का, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आकाश मिसाइल की। आकाश मिसाइल के बारे में अगर थोड़ा सा बता देंगे कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है तो उसको हम 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर यहाँ पर हम लोग ख़त्म कर सकते हैं सरफेस से, और 18,000 जो लेटीट्यूड पर, ऊंचाई पर, यानी मीटर की ऊंचाई पर हम लोग आते हुए एयरक्राफ्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आकाश मिसाइल बनाई गई है, बनाई किसके द्वारा गई है, तो DRDO के द्वारा, ठीक है, याद रखना है DRDO के द्वारा बनाई गई है मिसाइल है, ठीक है, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक तरीके से अप्रूव किया है इंडिया मिशंस के साथ, 3 नेशंस के साथ यहाँ पर उन्होंने एक डिप्लोमेटिक डोमिनियन यहाँ पर रिपब्लिक के लिए इन्होंने अप्रूव किया है 3 नेशंस के साथ, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनियन रिपब्लिक के साथ अभी हाल ही में उन्होंने एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको अभी हाल ही में अप्रूव किया है। तो ये कब तक यहाँ पर लागू होंगे आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या है, 2021 से यहाँ पर ये लागू होंगे। बात करते हैं यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है क्या, इंडियन मिशंस 3 नेशंस के लिए, 3 कंट्रियों के लिए
इंक्लूडिंग इस्टोनिया एस्टोनिया पराग्वे एंड डोमिनियन रिपब्लिक। ठीक है, ये यहाँ पर आपका काम है, इसको मैप में आप सर्च करें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये मिशंस क्या करेगा, इन तीन कंट्री के साथ हेल्प करेगा यहाँ पर डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट में। ठीक है, ये क्या करेगा कि इन तीनों कंट्रियों के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशन है, साथ साथ में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है और बायलेटरल ट्रेड है, साथ साथ में हमारे जो फैसिलिट इन्वेस्टमेंट है और इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, और साथ साथ में पीपल टू पीपल यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, इनको यहाँ पर इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो याद रखना है कि इंडियन मिशंस, ये इंडियन मिशंस कई कितने कंट्रियों के बीच में भी चलाया गया, तो तीन कंट्रियों के बीच में, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनियन रिपब्लिक। ठीक है, तो याद रखना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।